निर्भया कांड में अब वारंट और सजाए मौत के बीच में है कुछ ही घंटों का वक्त बचा है और अब पूरे 7 साल बाद निर्भया के गुनहगारों की फांसी की तारीख भी मुकर्रर हो गई है। तो कोर्ट ने दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी करते हुए सभी को 22 जनवरी सुबह 7 बजे फांसी पर लटकाने का आदेश दिया है और अब इस मामले पर सियासी प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई है। क्या कुछ कहना है राजनेताओं का, वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, इस कोर्ट के निर्णय का हम स्वागत करते हैं और इतना बड़ा अपराध भी वहाँ हुआ था जिसकी यही देश ने अपेक्षा की थी। मैं इस सजा की जो देश प्रतीक्षा कर रहा था वो कोर्ट ने सुनाई है कि इसका हम स्वागत करते हैं और उसकी फांसी तुरंत हो, ये देश की जनता की मांग भी है। निर्भया के दोषियों को 7 साल के बाद फांसी की सज़ा का ऐलान हुआ है और 22 जनवरी को सुबह उनको फांसी दी जाएगी। तो एक तरफ लोगों में संतोष तो है कि भाई अंत पंत में उनको फांसी की सज़ा मिल रही है, लेकिन साथ ही अपने को ऐसी सिस्टम बनाना पड़ेगा कि 7 साल नहीं लगने चाहिए। अगर कोई कुकर्म करता है इस तरह का किसी भी माँ बहन के साथ, बेटी के साथ, तो 6 महीने के अंदर ऐसे लोगों को, ऐसे वैशियों को 6 महीने के अंदर फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। तभी एक डर पैदा होगा इस किस्म के लोगों को जो भी गलत काम कर रहे हैं। निर्भया केस में जो अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई है, आखिर में न्याय का पटाक्षेप हुआ। ये हर उस व्यक्ति के लिए जो कुंठित मानसिकता का है और देश की बेटियों की अस्मत पर हमला करने का की सोचता भी है, ये उसके लिए एक लेसन है, उसके लिए एक हिदायत है कि अगर आप इस प्रकार का की दुर्दांत घटना करोगे तो फिर उसकी सजा फांसी में तब्दील हो जाएगी। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं बहुत खुश हूं, मैं कहूंगी कि मैं ये ऑर्डर जो है बहुत पहले आना चाहिए था। अगर शायद ये डेथ पेनल्टी 4 साल पहले आई होती तो तेलंगाना में जो डॉक्टर का रेप हुआ और भी कितने इस देश में रेप हुए हैं वो नहीं होते, क्योंकि फांसी का मतलब होता है लोगों में एक खौफ पैदा करना क्राइम के ना करने के लिए और उसमें हम विफल रहे। लेकिन जिस तरह से निर्भया की माँ ने दरवाजे खटखटाए और जुडिशरी को शर्मसार किया कि आप अब तो डेथ वारंट दे दो, तो मैं उस मां को सलाम करती हूं जिसने आज कोर्ट को मजबूर कर दिया कि डेथ वारंट जो है 22 जनवरी के लिए दे दिया गया है। मैं कोर्ट के फैसले का स्वागत करूंगी, देर में आया लेकिन दुरुस्त आया। 7 साल वेट करने के बाद जिस जैसे इंतजार के बाद फल मिलता है तो थोड़ा ज्यादा मीठा लगता है, वैसे ही लग रहा है कि हाँ अब ये फाइनली डेटरेंट की तरह से प्ले करेगा रोल। अब फाइनली जाकर लगता है कि हाँ लोग इससे डरेंगे, फांसी की सजा होती भी है और न्याय पे विश्वास वापस होगा लोगों का।